भैया बोलते जाइए तब तक कुछ और सोच लेंगे। स्टार्ट ही कर लेते सत्र की बैठक से। हाँ बोले क्या प्रारंभिक सप्ताह में नए साल में ही विधानसभा का सत्र है, पहले तैयारियां किस प्रकार से राज्य सरकार की है, कितनी तारीख को बैठक भी आप लोग करने जा रहे हैं? शीतकालीन सत्र हमेशा की भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से विधेयक पारित किया था और उसी के कारण वो सत्र को आहूत किया गया था पहले, लेकिन आरक्षण का हमारा मुद्दा अभी भी लंबित है। सत्र में और भी विधेयक हमारे आएंगे। कल 2 दिन पहले वन क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसके भी विधेयक आने की संभावना है। तो 6 दिवसीय अभी 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है। अब प्रश्न लगते हैं और सरकार उसका जवाब देगी। भाजपा का कहना है कि मुद्दे समय जो है वो कम दिया जाता है। हमें लगता है कि समय का जहां तक बात है, हमेशा संख्या बल के आधार पे समय का आवंटन होता है। ये भाजपाइयों का दुर्भाग्य है कि संख्या उनकी सीमित हो गई है, इसलिए समय तो उतना ही मिलेगा, लेकिन सत्र हमेशा 1 सप्ताह का होता है और 2 दिन पहले हो गया है, 5 दिन अभी और होगा। भाजपा जितने भी मुद्दा उठा ले सरकार उसका जवाब देगी। सरकार की तरफ से आज की तारीख में लगभग 72 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दिया जा चुका है। लगभग 18 लाख से अधिक किसानों का जो पंजीकृत 26 लाख किसान है उसमें 18 लाख से अधिक किसानों का धान सुचारू रूप से खरीदी किया जा चुका है। इस सत्र में जो हम 110 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी करने वाले हैं, तो जिस तरीके से किसानों को सुविधा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है, मैं ऐसा समझता हूँ हम लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। सरकार